नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं फार्मासिस्ट योगेश कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी हेल्थ केयर में। आज मैं जिस टैबलेट का रिव्यू प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस टैबलेट का नाम है ग्लूकोनॉर्म SR 500 mg। यह एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। और आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो डायबिटीज़ एक आम समस्या हो गई है भारत में भी और भारत से बाहर के देशों में भी। यह एक मुख्य बीमारी कहें या लाइफस्टाइल डिजीज़ भी इसे कह सकते हैं। सो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि सभी लोग इस डिजीज़ के प्रति अवेयर हैं तो तभी जाकर हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इस टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का जो नाम है वो ग्लूकोनॉर्म SR है और इस टैबलेट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg। इस टैबलेट में मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है वो 500 mg इसमें मिलाई गई है। इस टैबलेट को लुपिन फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया है और इस टैबलेट को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 29 rupees में परचेज कर सकते हैं। इस टैबलेट को किसी भी आप क्या है औषधि केंद्र से या फार्मेसी से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इस टैबलेट की अगर डोज की अगर बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जिस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस पाया जाता है उसे 500 mg OD, इट मीन्स वंस इन अ डे, दिन में एक बार दिया जाता है सुबह के समय। और एक हफ्ते के बाद में उसे ये टैबलेट, उस पेशेंट को ये जो टैबलेट है वो BID यानी ट्वाइस इन ए डे दिया जाता है। चाइल्ड अगर कोई ऐसा है जिसे डायबिटीज़ हो गया है बाय चांस, तो 10 साल से अगर उसकी एज अगर ज़्यादा है तो उसे ये टैबलेट 500 mg OD यानी वंस इन ए डे आप उसे दे सकते हैं। वर्किंग मेथड की अगर बात करते हैं ये टैबलेट किस तरह से वर्क करता है, तो जब इस टैबलेट को दिया जाता है तो ये जो टैबलेट है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसके लेवल को कम कर देता है। ये जो टैबलेट है ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को भी कम करता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा होता है और उसे मिनिमाइज करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो कम आता है मॉनिटर करने के बाद में। इट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो टैबलेट है इसमें जो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड मिला है वो एब्जॉर्प्शन को घटा देता है ग्लूकोज के हमारे इंटेस्टाइन में। ग्लूकोनॉर्म टैबलेट इंक्रीज द रिसेप्टर एफिनिटी ऑफ इंसुलिन। और जो संग्राहकता है हमारी कोशिकाओं की, शरीर कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति, उन्हें ये टैबलेट और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे इंसुलिन कोशिकाओं तक पूरी तरह से पहुंचता है और ग्लूकोज का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन होने लगता है। ग्लूकोनॉर्म SR एक ऐसी टैबलेट है जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। मेटफॉर्मिन कैन टेक थ्रू ओरल रूट। इस टैबलेट को हम ओरल रूट से किसी पेशेंट को देते हैं तो ये उसके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जो मेडिसिन है वो उसके यूरिन से एक्सक्रिएट हो जाती है। इस टैबलेट के अगर यूज़ की बात करते हैं तो ये जो टैबलेट है इस स्ट्रिप में 15 टैबलेट हैं। डेली 1 टैबलेट पेशेंट को देना होता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसे पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस Type 2 जो डायबिटीज़ होता है उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में ये पेशेंट को दिया जाता है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से इस मेडिसिन के एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, तो फर्स्ट एडवर्स इफ़ेक्ट इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कह सकते हैं आप लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उस पेशेंट को भूख कमने लगती है। एंड नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट इज नाउजिया, उसका जी मिचलाता है, वॉमिटिंग, उसे उल्टी भी हो सकती है। एंड डायरिया, उसे पेट में लूड मोशन हो सकता है। अगर
पेशेंट इस मेडिसिन को डे बाय डे रिपीटेडली यूज़ करता है तो उससे वेट लॉस भी हो सकता है, उसका जो वज़न है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पैल्पिटेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। सो जो हार्ट है उसकी जो धड़कने हैं उनमें इम्बैलेंस होने लगता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज़ फ्लैटुलेंस, पेट में गुड़गुड़ जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे फ्लैटुलेंस बोला जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज़ वीकनेस एंड नेक्स्ट इज़ हाइपोग्लाइसेमिया। जिस पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है उसका ब्लड शुगर जो लेवल है वो कम भी हो सकता है नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है उससे। स्किन रैसेस भी हो सकते हैं उस पेशेंट को एंड मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन जो B12 है उससे उसका एब्जॉर्प्शन है उसका जो इंटेस्टाइन में वो भी डिक्रीज हो जाता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में असहज महसूस करता है पेशेंट। हेडेक नेक्स्ट साइड इफेक्ट एंड इनडाइजेशन, उसका जो पाचन तंत्र है उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी सेफ्टी इंडेक्स ऑफ द मेडिसिन ग्लूकोनॉर्म SR। इट मीन्स देयर इज प्रेगनेंसी सेफ्टी इंडेक्स इज B ऑफ द ग्लूकोनॉर्म SR। इट मीन्स देयर इज नो पॉजिटिव एविडेंस रिस्क ऑन द फोइटस। इसका मतलब ये है कैटेगरी B होने का कि ये जो मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट का कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है कि ये नुकसान पहुँचाता है किसी प्रेगनेंट वूमेन के फोइटस को। सो इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट वूमेन को भी प्रेगनेंसी के दौरान भी दिया जा सकता है। देयर इज़ नो फूड इंट्रैक्शन। अगर फूड इंट्रैक्शन की बात करें इसे कब लेना होता है, खाना खाने से पहले ले सकते हैं या किसी पेशेंट को खाना खाने के हम तुरंत बाद दे सकते हैं, तो देयर इज़ नो फूड इंट्रैक्शन। सो दिस मेडिसिन कैन टेक बिफोर मील एंड जस्ट आफ्टर मील, तुरंत बाद भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है खाने के और पहले भी। ड्रग इंट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो ये जो मेडिसिन है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसका जो इफेक्टेड होता है बाय डायरेटिक्स। यदि किसी पेशेंट को डायरेटिक्स जो ड्रग है फ्यूरसेमाइड है स्पायरलैक्टोन दिया जा रहा है तो उसका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो इंक्रीज हो जाता है, अफेक्ट होता है। फेनिटाइन, फेनोथायजेंस, थायराइड प्रोडक्ट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेनिटाइन, निकोटिनिक एसिड, क्लोरोप्रोमाजीन एंड आइसोनियाजिड जो ड्रग हैं वो भी इस मेडिसिन से इंटरेक्ट कर सकती हैं। मेटफॉर्मिंग इफेक्ट में भी इंक्रीज्ड बाय एसी इनहिबिटर। जो इन एसी इनहिबिटर ड्रग होती हैं डाई आइसोपायरामाइड होता है, ये ऐसी ड्रग हैं जिनके जो मेटफॉर्मिन के इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। डिक्रीज द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ फैन प्रोकोमोन, और ये जो ड्रग है वो फैन क्रोमोन जो ड्रग है जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो थक्का रोधी है उसके ये इफेक्ट को कम कर देती है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। इंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं बिफोर द मेडिकेशन ऑफ ग्लूकोनॉर्म SR। इट इज़ एन एंटी डायबिटिक ड्रग। ग्लूकोनॉर्म SR एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। इट शुड बी टेक व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज हाई। यदि किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने के पश्चात ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को ले सकते हैं या कोई पेशेंट इस टैबलेट को ले सकता है। सो प्लीज़ फर्स्ट टेक एडवाइस टू योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले आप एडवाइस लें डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से एंड चेक द ब्लड शुगर लेवल, और अपने ब्लड शुगर लेवल को पहले चेक कराएं, देन यू शुड स्टार्ट द मेडिकेशन ऑफ ग्लूकोनॉर्म SR। नाउ आई एम सेइंग सेल्फ मेडिकेशन इज मे बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। सो अपने आप दवाई लेना स्टार्ट ना करें, पहले किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप इस मेडिसिन के बारे में एडवाइस लें। योगा एंड नेचुरोपैथी एडवाइस, अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ कंट्रोल की तो कैसे हम दवाई के साथ में और भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपना ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसे लेवल में ला सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं जितना होना चाहिए एक पेशेंट के लिए, एक पर्सन के लिए।
वी कैन कंट्रोल डायबिटीज़ बाय योगा। हम योग से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एनी पर्सन जो किसी डायबिटीज़ मेडिटस से अफेक्ट है, सफ़र कर रहा है, तो उस पेशेंट को हम कुछ आसन भी करा सकते हैं, जैसे मंडूक आसन, वक्रासन एंड उद्राकर्षण। ये जो आसन है वो ऐसे आसन है जिनसे पेट की जो एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसका मसाज होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। एंड नेक्स्ट योगासन इज अर्धमत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन एक्सेट्रा। ये जो मैंने आसन आपसे बताए हैं ये ऐसे आसन हैं जो पेट को, पेट की मसल्स को मसाज देते हैं। सो योगा थेरेपी गिव मसाज टू द एब्डोमिनल पार्ट लाइक पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को जब एक्सरसाइज मिलती है, उसका जब मसाज उसका होता है, सो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज इंक्रीज्ड बाय पैंक्रियाज। तो जो हमारा पैंक्रियाज है उससे जो इंसुलिन फॉर्मेशन होता है हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो सही अपने लेवल में आ जाता है। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू शुड टेक योगा एंड नेचुरोपैथी एडवाइस आल्सो, डू रेगुलर एक्सरसाइज। मैं कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो योगासन भी करते रहें, टहलें रोज़ाना टहलने जाएं किसी फ्रेश जगह पर जहाँ पर ताज़ी हवा मिलती हो। तो साथ में आप योगासन भी कर सकते हैं घर के किसी खुले हिस्से में जहाँ पर खुली एयर आपको मिलती है, फुल ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड होती है। तो ऐसी जगह अगर आप योगासन करते हैं और मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपने लेवल में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड नमस्कार।